ये ऑफ है, ये ऑफ है, ऑफ करते ही जैसे मैं ऑन करूंगा, ये देखिए। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ कंट्रोल दे रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के हैं और राइट हैंड साइड में लाइट्स के हैं। तो आज इन्हीं कंट्रोल्स के बारे में हम पता करेंगे। अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लाइन चेंज करने के लिए हमें कौन सा इंडिकेटर देना चाहिए। वाइपर की भी बात करेंगे कि अड़की रेन हो तो उसमें हम हमें कैसा वाइपर देना चाहिए। तो आज सारी बातें, सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये देखिए ये जो बटन है ना, बस ये लाल वाला दिख रहा होगा आपको, बस इसको एक बार टच कर दो। अगर आपको ऑटो ही लोल्ड देखना है कि ब्रेजा में ऑटो ही लोल्ड कैसे काम करता है, तो आई बटन पे क्लिक करके और देख सकते हो। तो चलो देखते हैं इनके कंट्रोल्स कि कैसे काम करते हैं दोनों, वाइपर एंड लाइट्स। तो चलिए मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ये लगे कि थोड़ी इंफॉर्मेशन लायक वीडियो है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं वाइपर और लाइट से रिलेटेड। तो ये देखिए दोस्तों, ये अपना कुछ, एक तो यहाँ पे ये है, ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और सेकंड है यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन से कंट्रोल से क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइपर की। तो वाइपर में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ पुल, यहाँ पे लिखा हुआ मिस्ट, ऑफ, INT लो, LO लो और HI हाई। यहाँ पे पांच सेटिंग मिल जाती हैं आपको, मिस्ट, ऑफ, INT लो और आई। अब जैसे ही मैं इसको पुल करता हूं तो आप देखिए, जैसे ही मैंने इसको पुल किया, ये देखिए ये वाइपर चल पड़े हैं और साथ में जो विंडशील्ड पे पानी आता है वो पानी चल पड़ा है। जैसे ही हम पुल करते हैं तो उसका काम आपने समझा, ये जैसे पुल किया, जैसे ही पानी प्लस वाइपर एक बार साफ कर देता है। उसके बाद बात करता हूं मिस्ट की। जैसे ही मैं मिस्ट पे करूंगा, अभी देखिए मिस्ट किया, अब ये देखिए मिस्ट करते ही एक बार वाइपर चला और डाउन हो गया। जैसे ही आपने पानी चलाया या हल्की फुल्की बूंद आई तो आप इसको मिस्ट कर देते हो, तो एक बार वाइपर घूम के और ये जो विंडशील्ड आपकी साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। सेकंड ऑप्शन आता है ऑफ का, जो कि अभी है ऑफ में, ये रहता है ऊपर मिस्ट है। अभी हम करेंगे बात ऑफ से नीचे INT जो है, INT की। जैसे ही मैंने INT पे किया, ये देखिए ये वाइपर कुछ गैप देने के बाद चलेंगे, ये देखिए 3 से 4 या 4 से 5 सेकंड का गैप देंगे, ये ऑटोमेटिक अपने आप चल रहे हैं, ये अपने आप चल रहे हैं INT करने से, ठीक है। अब मैं इसको अगर बंद करना है तो इसको क्या करूंगा, ऊपर प्रेस करूंगा एक बार हल्का, ये प्रेस कर दिया, ये ऑफ हो गया है। अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं लो। तो लो का क्या काम है, जैसे इंट में हमने एक बार प्रेस किया तो इंट चल पड़ा, अगर मैं एक बार और प्रेस करता हूं तो लो चल पड़ेगा। ये देखिए ये लो में क्या है कि आराम आराम से चलेगा इसमें और आपका एक नॉर्मल स्पीड में चलेगा, लेकिन कंटिन्यू चलेगा, ये इसका काम है। और इसको बंद करना है तो हमने क्या करना है, जो ये है इसको ऊपर प्रेस करना है 2 बार। 2 बार प्रेस किया तो ये देखो ये बंद हो गया। अगर मैं आई की बात करूं तो ये 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, ये देखिए 1, 2 एंड 3, ये देखिए आई में स्पीड आई है और कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। और इसको बंद करना तो वही सेम ऊपर कर दो 3 बार, तो ये बंद हो गया। ये इसके कुछ फंक्शन थे, जैसे हल्की फुल्की फुहार है तो हमें मिस्ट का यूज करना, एक बार विंडशील्ड साफ हुई उसके बाद रुक गई। अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो उसके लिए इंट का यूज करना है। उसके बाद अगर मीडियम साइज की है तो हमें ये लो पे करना है, लो पे ये कंटिन्यूस चलेगा और इसको विंडशील्ड को साफ करेगा। और अगर तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज है, तो हमें ये आई पे करना करके रखना पड़ेगा, जिससे ये पूरा नीट एंड क्लीन रहे। तो ये कुछ इसके फीचर थे वाइपर के। वाइपर वाले का समझ है कि वाइपर कैसे कैसे हम यूज करते हैं। वैसे जो राइट हैंड साइड में है वो आप देख पा रहे होंगे, ये लाइट का है, ठीक
है, लाइट प्लस इंडिकेटर दोनों का है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, न्यू ब्रेजा में जो VXI है उसमें कैसे यूज करते हैं। जैसे ये निशान है, ये ऑफ पे है अभी। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा, ये देखिए, जैसे ही मैंने देखो ये किया, इसकी जो लाइट है वो डल हो गई है, प्लस इसकी भी लाइट देखिए, ये ऑफ है, ये ऑफ है। ऑफ करते ही जैसे मैं ऑन करूंगा, ये देखिए लैंप, आगे के लैंप और पीछे की जो बैक लाइट है रेड वाली लंबी लंबी, जो ब्रेक मारने से वो होती है, वो ये दोनों यहाँ से वो हो गई है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये यहाँ से शिफ्ट किया तो आप देख पा रहे होगे आगे की लाइट ऑन होगी। अब मैं जैसे ऑफ करता हूँ तो ये देखो बंद होगी, अब लाइट ऑन हो गई है। तो जो इस पे अगर आपका निशान इस पे है तो आपकी आगे वाली जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ आई बीम का। तो जैसे ये है, इसको अगर हम नीचे प्रेस करेंगे, जैसे नीचे प्रेस किया तो यहाँ पे ब्लू लाइट आपको दिखगी, तो ये जली हुई है जो ग्रीन और ब्लू दोनों, तो ग्रीन है लाइट की और जो ब्लू है वो आई बीम की है। अब आप देख पा रहे होगे ये आई बीम, ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको लो करता हूँ बीम को, तो ये देखिए जैसे ही मैं लो करूंगा, ये जैसे लो किया तो ये ऐसे लाइट होगी। अब आई करूंगा तो ये आई होगी। ठीक है, तो ये इसका, ये इसको हमने एक बार जैसे नीचे या ऊपर का है, ऊपर करेंगे तो आई बीम बंद हो जाएगा, नीचे करेंगे तो आई बीम स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है, ये आपका बता दिया लाइट का, ये आई बीम। अगर इसको बंद कर दूंगा, अपने अपनी तरफ पुश करूंगा तो ये लो बीम है, और इसको यहाँ पे करूंगा तो आगे वाले लैंप जल रहे हैं और ये ऑफ। ठीक है, ये फंक्शन बता दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर की, तो इसको नीचे, आपको नीचे प्रेस करना है। जैसे ही आपने नीचे प्रेस किया तो ये इंडिकेटर आपके जल गए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये इंडिकेटर और यहाँ पे आपको साइन भी दिख रहा होगा ग्रीन वाला। और अगर हम इसको ऊपर प्रेस करेंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर भी वो हो गया और वहाँ का इंडिकेटर जल जाएगा उस साइड का, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इसका वो है। दूसरा क्या है इसमें, एक और फंक्शन है, वो है जैसे आप लाइन चेंज करते हो, आप कहीं हाईवे वगैरह पे चल रहे हो और आप लाइन चेंज करते हो, तो लाइन चेंज करने में क्या है, इसको हल्का सा वैसा आपको, जैसे आपको इस लाइन से उस लाइन में जाना है, मतलब जहाँ पे आप चल रहे हो वहां से लेफ्ट लाइन में जाना है, तो लेफ्ट लाइन के लिए आपने क्या करना है, इस इंडिकेटर को हल्का सा प्रेस करना सिर्फ। ये जैसे मैं ये ऐसे प्रेस किया, ये देखिए 3 बार बिलिंग होगा, 3 बार बिलिंग होने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, ये देखिए 3 बार बिलिंग हुआ, बंद हो गया। ऐसे ही नीचे अगर हमने लाइन चेंज करनी है इस साइड, राइट हैंड साइड, तो इसको नीचे प्रेस करेंगे हल्का सा, ये देखिए 3 3 बिलिंग हुई, उसके बाद इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो ये एक इसमें न्यू फंक्शन है लाइन जो चेंज करने का, वो भी मैंने आपको दिखा दिया इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, कि जैसे मैं ये बटन जलाता हूँ तो इससे क्या होता है, और कौन सा लैंप जलता है, और कौन सा पीछे बैक लाइट जलती है, और ये जलाऊंगा तो क्या होगा, और आई बीम क्या होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए उसको भी। तो दोस्तों, मैंने आपको वाइपर, लाइट और इंडिकेटर, ये तीनों के आपको यूजेज बताए कि कैसे हमने वाइपर को यूज करना है और कैसे हमने लाइट को ऑन करना है, ऑफ करना है, और आपको दिखाया मैंने आगे का व्यू भी, लैंप कैसे जलते हैं, कौन से बटन से लैंप जलते हैं, और बैक की लाइट भी दिखाई आपको कि बैक की लाइट कैसे जल रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक आपका लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और मैं आपके लिए ऐसा ही नया कंटेंट लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।